नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष हेमल आपके चैनल एस्ट्रोकाल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में विशेष कुछ जानकारी, ऐसी जानकारी क्योंकि मेष राशि वालों के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए, पिटारे खुलने वाले हैं खुशियों के, और कब और कैसे आपको ये खुशी मिलेंगी इस पर मैं आपको विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जो जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि है चंद्र राशि, उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी जन्म राशि पता नहीं, चंद्र राशि पता नहीं, तो इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो मेष राशि वाले हैं वो बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, थकते नहीं हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जब तक अपना काम पूरा नहीं करते हैं तब तक वो बैठते भी नहीं हैं और लगे रहते हैं। तो ऐसे मेष राशि वाले बहुत समय से किन्हीं कारणों से मानसिक तनाव में थे, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी आ रही थी, अब ये दुख क्लेश के बादल मेष राशि के ऊपर से छटने वाले हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज मेष राशि को मिलने वाला है। मेष राशि वालों, जब आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आए थे 21 अप्रैल 2023 में, तो आपके लिए कुछ नया आपके जीवन में होने का योग बन रहा था, लेकिन राहु के कारण से, गुरु चांडाल दोष के कारण से आपको वो सरप्राइज नहीं मिल पाए, क्योंकि 12 साल में ये योग बनता है, यानी कि राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति जब विराजमान होंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में होते हैं, या भाग्य में होते हैं, या पंचम में होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है जब राशि के ऊपर होता है। तो आपके राशि में आए लेकिन गुरु चांडाल दोष के कारण से, राहु के कारण से आप बहुत परेशान थे, लेकिन अब जब जो ही 30 अक्टूबर के बाद राहु का परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके लिए पॉजिटिव बातें ही मैं आप बताऊंगा, आपके लिए अच्छी बातें। अब आपने अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे अपनी सोचें छोड़नी है, यानी कि हीन भावनाएं अपने से दूर करनी है और ऊर्जा अपने अंदर लाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। मैं इस राशि वालों, आपने अब नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करना है, अच्छी सोच अपने अंदर लाना शुरू करना है, इससे आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर के बाद देवक गुरु बृहस्पति, वैसे तो वक्री है दिसंबर तक, लेकिन देवक गुरु बृहस्पति अपना पूर्ण फल आपको देने में सक्षम हो जाएंगे गुरु चांडाल दोष समाप्त होने के बाद, और धीरे 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 करके ये अक्टूबर नवंबर का महीना और साथ में दिसंबर का महीना, और उसके बाद तो आप मान के 2024 तो आपके लिए बहुत ही सरप्राइज होने वाला है। तो ये नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं मेष राशि वालों। आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें, आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी। तो ये सरप्राइज आपके लिए जो है वो जानिए आप पहले, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नया व्यक्ति उभर करके आएगा, नई सोच आपके अंदर आएगी, और आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, ज्ञान की वर्षा आपके दिमाग में होगी, और सूझबूझ आपको जैसे आकाशवाणी होती है ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन कर देंगे। पहले भगवान आकाशवाणी करते थे त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, लेकिन इस कलयुग में भगवान आपको अच्छे लोगों से मिलाएंगे, और उन लोगों के द्वारा आपके अंदर ऐसी सोच बढ़ेगी उनको देख करके कि मुझे ये प्राप्त करना है, और आप जब पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाएंगे किसी को देख करके, तो ऐसा व्यक्ति बनेगा जो अपने अंदर सारे परिवर्तन करने में सक्षम होगा। देखिए, ज्ञान की वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, अगर कोई पेपर हैं आपके अब तो आप इतना अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला मेष राशि वालों। पर फर्क ये रहेगा, जैसे दशाओं में होता है कुंडली में
किसी की दशाएं अनुकूल नहीं रहती हैं, वो बातें तो अलग हैं, लेकिन तब भी मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा होगा। इसके बाद नया शोध आप करेंगे और साथ में संतान पक्ष के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। देवक गुरु बृहस्पति जब आप गर्भ धारण करेंगे तो संतान पुत्र संतति के लिए जिनके निसंतान हैं उनके संतान उत्पत्ति का बहुत बड़ा योग बनेगा। प्रेम अफेयर लव लाइफ के दृष्टि से भी बहुत अच्छा आपका रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देवक गुरु बृहस्पति जब परिवर्तन करेंगे आपके अक्टूबर 30 अक्टूबर के बाद विवाह का योग बनेगा। जिनके विवाह नहीं हुए हैं या मतभेद की स्थिति है या वो उनके तलाक शुदा हैं या वो डिवोर्स हो रहा है उनका, तो ये सारे तनाव दाम्पत्य जीवन के समाप्त होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के जो केस होंगे आपके, या तलाक के केस होंगे, डिवोर्स के केस होंगे, अगर आपको नहीं तलाक करवाना या आप ना दोनों ने मिल करके आपके जो तनाव हो समाप्त हो जाएंगे और आपके जो केस होंगे दोनों मिल बैठ करके सुलझा देंगे। ऐसे योग बनेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति आपको समझाएगा और परिवर्तन आपके अंदर होगा, यानी विवाह का योग भी बनेगा। पार्टनरशिप के जो काम होंगे, रोजगार व्यवसाय कैरियर संबंध के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मेष राशि वालों के पास नौकरी नहीं है तो ये मान के चलो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, अच्छी एनर्जी अच्छी सोच अपन अंदर लाओ, अध्ययन करना शुरू कर दो और पॉजिटिव सोच से आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर आपके लिए आया है, इस अवसर को आप बिल्कुल भी जाने न मत देना। रोजगार की दृष्टि से उन्नति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन धान्य के लिए कैसा है, लेकिन जो मीन मुद्दे हैं जो आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, जब व्यक्ति के ज्ञान होगा अच्छी नौकरी होगी उन्नति व्यक्ति करेगा, धन दौलत तो आएगी ही व्यक्ति के पास और भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का साथ मिलेगा। अगर आप धार्मिक हैं और नित्य कुछ ना कुछ अपनी उपासनाएं करते हैं तो आपको ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है मेष राशि वालों, बड़े परिवर्तन बड़े सरप्राइज आपको मिलेंगे। देखना अचानक आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या हो गया और मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। बोलने में वाणी में परिवर्तन होगा, चाल चलन में परिवर्तन होगा और सोचने में परिवर्तन होगा, खाने में परिवर्तन होगा, पहनने में परिवर्तन होगा, दिमाग में परिवर्तन होगा। तो बहुत परिवर्तन आपके अंदर होंगे, धीरे धीरे आपको लक्षण दिखने लग जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप अगर अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके मुझे अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण आप करवा सकते हैं मुझसे। और प्रिय दर्शकों अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।